नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों ने अनुकंपा नियुक्ति के बारे में जरूर सुना होगा। ये अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है और कंपनसेट अपॉइंटमेंट जिसे हम कहते हैं और उसके बारे में क्या कानूनी प्रावधान है, आइए समझने की कोशिश करते हैं ये अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है। यह एक सर्विस लॉ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कानूनी मुद्दा है और उसके ऊपर समय समय पर बहुत सारे नियमों में परिवर्तन हुए। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है। तो मित्रों, आप सभी को पता है कि अनेक लोग सरकारी नौकरी में काम करते हैं और यदि सरकारी नौकरी के कार्य करते दौरान यदि उनकी डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, भले वो मेडिकल ग्राउंड पे डेथ होती है या कोई आकस्मिक डेथ हो जाती है या कोई व्यक्ति किसी बीमारी के चलते रिटायर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार के किसी सदस्य को जो डिपेंडेंट है, जो उनके ऊपर निर्भर है, उसके परिवार के सदस्य को उसकी जगह पर नियुक्ति दे दी जाती है। इसी को ही अनुकंपा नियुक्ति बोलते हैं। अनुकंपा से तात्पर्य हो रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर अनुकंपा की गई है, उसके परिवार पर अनुकंपा की गई है, इसीलिए इसको कंपनसेट भी बोलते हैं। कंपनसेट है ना उसके कॉम्पनसेशन में। तो कंपनसेट अपॉइंटमेंट और अनुकंपा नियुक्ति, आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सो टुडेज टॉपिक इज कंपनसेट अपॉइंटमेंट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे अनुकंपा नियुक्ति। तो मित्रों, ये सर्विस लॉ का मैटर है। तो अनुकंपा नियुक्ति इज द मैटर ऑफ सर्विस लॉज। आपको पता है बहुत सारे लॉज होते हैं, पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इसी प्रकार एक सर्विस कानून भी होते हैं। सर्विस है ना नियुक्ति से संबंधित, सेवा से संबंधित कानून होते हैं। तो ये सर्विस लॉ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सर्विस मैटर्स में कंपनसेट अपॉइंटमेंट एक बहुत बड़ा बिंदु होता है। तो आप सभी को पता है कि किसी भी सर्विस में जो अपॉइंटमेंट होता है, यानी जब नियुक्ति होती है किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, तो हमारा संविधान दो बातें कहता है। हमारा संविधान, भारत का संविधान कहता है, एक तो समानता का सिद्धांत होना चाहिए, आर्टिकल 14, यानी किसी प्रकार का नियुक्ति करते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। यदि गवर्नमेंट कोई पोस्ट निकालती है, यदि गवर्नमेंट द्वारा कोई पोस्ट निकाली गई है, तो यह पोस्ट सबके लिए ओपन है। जो व्यक्ति क्वालिफाई करेगा उस व्यक्ति को पोस्ट मिलेगी। कोई जाति, लिंग, किसी आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। साथ ही साथ आर्टिकल 16 भी हम लोगों ने पढ़ा। आर्टिकल 16 कह रहा है कि इक्वालिटी इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजनों में अवसर की समानता, हर व्यक्ति को अवसर की समानता दी जाएगी। लेकिन इन दोनों बातों का अपवाद है, कुछ अपवाद भी हैं। तो ये कहता है, हमारा संविधान कहता है कि आर्टिकल 14 और 16 का पालन होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके अपवाद भी है। अब अपवाद क्या है? सबसे पहले रिजर्वेशन। हम सभी लोगों ने आरक्षण के बारे में सुना हुआ है, SC ST को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को या OBC को कई जगहों पे आरक्षण दे दिया जाता है। तो आर्टिकल 14 और 16 का एक प्रकार से ये अपवाद कहलाता है। ठीक इसी प्रकार कंपनसेट अपॉइंटमेंट, यानी CA, यानी कंपनसेट अपॉइंटमेंट, यानी अनुकंपा नियुक्ति भी एक प्रकार का अपवाद ही होता है। यानी व्यक्ति की एग्जामिनेशन नहीं हुई, व्यक्ति को अपॉइंटमेंट मिल गया, तो ऐसा कैसे हुआ, आइए समझते हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। कंपनसेट अपॉइंटमेंट का जो तात्पर्य है वो है सोशल सिक्योरिटी, यानी ये किससे कनेक्टेड है, सामाजिक सुरक्षा से। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि समाज की सुरक्षा होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का गवर्नमेंट सर्वेंट यदि एक्सपायर हो जाता है ड्यूरिंग अपनी एम्प्लॉयमेंट के समय, यदि वो एक्सपायर होता है, तो जो अर्निंग मेंबर, यानी आमदनी करने वाला, कमाने वाला मेंबर यदि एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी जो फैमिली मेंबर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे वो निराश्रित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कंपनसेट अपॉइंटमेंट का जन्म हुआ। डिपेंडेंट फैमिली को राहत मिलना चाहिए, डिपेंडेंट जो निर्भर फैमिली उसको राहत मिलना चाहिए। ऐसा सर्वेंट जो जिसकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान डेथ हो गई है या किसी मेडिकल ग्राउंड पे वो रिटायर हो चुका है, तो वहां पे कंपनसेट अपॉइंटमेंट लागू हो जाता है। और ऐसे लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, जिनको इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत थी, यदि उनको फाइनेंशियल, यानी वित्तीय उनको हेल्प नहीं दी जाएगी, तो वो हैंड टू माउथ हो जाएंगे, उनको दिक्कतें आएंगी, आर्थिक परेशानी आएंगी। तो ये चार बातों को लेकर कंपनसेट अपॉइंटमेंट आया। एक तो सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, डिपेंडेंट फैमिली को अर्निंग मेंबर की डेथ होने पर डिपेंडेंट फैमिली जो निराश्रित परिवार है उस निराश्रित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने के लिए, ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉई या ऐसा सर्वेंट जिसकी डेथ हो गई हो या मेडिकल ग्राउंड पे उसने परमानेंटली रिटायर हो गया हो या उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत हो, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब लेकिन इंपॉर्टेंट एक और कुछ बातें और है कि ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट था या डेली वेजर था। आपको पता है डेली वेजर कौन होते हैं, जो दिन एक दिन का काम करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो ये कंपनसेट अपॉइंटमेंट के जो नियम है वो रेगुलर बेसिस पे काम करने वाले एम्प्लॉयज के ऊपर लागू होते हैं।
एक तो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, वो डेली वेजेस नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, और वो जो एक्सपायर हुआ है तो कंपल्सरी अपॉइंटमेंट के लिए स्पाउस यानी पत्नी यदि गवर्नमेंट सर्वेंट थी और वो एक्सपायर हुई तो पति स्पाउस, या पति की डेथ हुई तो पत्नी जो है हकदार हो जाती है, पति के अलावा स्पाउस के अलावा पुत्र या पुत्री भी होते हैं। और मान लीजिए कि जो व्यक्ति एक्सपायर है वो अनमेरिड है, यदि वो व्यक्ति अविवाहित है तो उसकी पत्नी और बच्चे नहीं होंगे, तो इस स्थिति में ब्रदर और सिस्टर, भाई और बहन का भी कंपल्सरी अपॉइंटमेंट देखा जा सकता है, उनको भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। अब इसके कुछ नियम की बात करते हैं। इसमें एक वेलफेयर ऑफिसर होता है, हर डिपार्टमेंट का वेलफेयर ऑफिसर है, कल्याण अधिकारी, और ये जो अधिकारी होता है ऐसी एम्प्लॉई की डेथ होने पर उस डिपेंडेंट फैमिली के मेंबर से मिलता है। तो डिपार्टमेंट में फैमिली वेलफेयर ऑफिसर होता है, वो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज उनको सामने वालों को उसकी जानकारी देता है, और रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज यानी जो आवश्यक औपचारिकताएं हैं उसके बारे में वो जानकारी देता है। उन लोगों से एप्लीकेशन ली जाती है, एप्लीकेशन यानी जो आवेदन है, आवेदन देखने के बाद सामने वाले से अंडरटेकिंग भी ली जाती है। जिस व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है उससे एक प्रकार की अंडरटेकिंग ली जाती है कि आप डिपेंडेंट लोगों का को मेंटेन करेंगे, यानी आपको जो कंपल्सरी अपॉइंटमेंट इसलिए दिया जा रहा है कि जो निराश्रित लोग हैं उनका आप भरण पोषण करेंगे। अगर वो इस प्रकार की अंडरटेकिंग देता है तो ही उसको कंपल्सरी अपॉइंटमेंट दिया जाता है, ये बहुत ही अनिवार्य बिंदु होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कंपल्सरी अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन में डीले नहीं होना चाहिए। अगर देरी कर दी गई है, लंबा समय हो चुका है, तो अनेक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, अगर लंबे लंबे समय के बाद व्यक्ति कंपल्सरी अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन देता है तो न्यायालय कहती है कि इतना लंबा समय आप गुजार चुके हैं, क्योंकि कंपल्सरी अपॉइंटमेंट इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए होता है, यानी एकदम तत्काल आर्थिक मदद के लिए ये दिया जाता है। और मान लीजिए किसी विडो को, किसी पति की डेथ होने पर किसी विडो को कंपल्सरी अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो क्या वो रीमेरी नहीं कर सकती है? तो इसका उत्तर है मित्रों कि वो रीमेरी कर सकती है, भले ही उसको कंपल्सरी अपॉइंटमेंट मिल चुका है किंतु वह रीमेरी कर सकती है, उसको विवाह का अधिकार समाप्त नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार यदि मान लीजिए किसी परिवार में कोई अर्निंग मेंबर है तो क्या वहां पर कंपल्सरी अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा? तो विभिन्न परिस्थितियों को देखकर कंपल्सरी अपॉइंटमेंट ऐसी जगह पे भी दिया जा सकता है जहां पे कोई अर्निंग मेंबर हो। तो मित्रों ये था एक कंपल्सरी अपॉइंटमेंट के बारे में, ऊपर ऊपर के हमारे रूल्स से इसके डीप में मैं आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। Kindly subscribe my channel Law Easy.